Hi friends, hope you all are fit and fine. Today we will be seeing another very simple and easy exercise which is again very much useful for our core muscles. आज हम लोग एक ऐसी एक्सरसाइज देखेंगे जो एकदम ईजी है, जिसको आप फिर से प्लैंक की तरह ही अपने घर पे कर पाएंगे और आपके कोर मसल्स के लिए उतने ही बेनिफिशियल है। इस एक्सरसाइज का नाम है हिप ब्रिज। कसर पूरा बॉडी जो है आपका नीचे, आपके पैर जो है इस तरह से 45 एंगल पे। कीप योर हैंड्स बाई योर हिप्स, जो हाथ है इसको नीचे हथेली को इस तरह से टच करके रख दीजिए। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, जैसे आप प्लैंक में सपोर्ट करते थे बॉडी को, उसी तरह से आपको अपने हिप्स को यहाँ से लिफ्ट करना है। एंड यू नीड टू मेक इट स्ट्रेट। जब भी आप ये एक्सरसाइज करेंगे, यू फील वेरी गुड पेन इन योर हैमस्ट्रिंग्स, आपके थाइस, आपके एब्स और आपके शोल्डर्स। ये चारों पार्ट्स जो है बहुत ही अच्छे से स्ट्रेन होंगे एक्सरसाइजेस में, एंड दे विल गिव वेरी गुड स्ट्रेंथ टू ऑल दीज पार्ट्स। एज सून एज यू फील दैट यू आर फीलिंग मोर पेन, अब फिर से नीचे बॉडी को रख दीजिए। फ्रेंड्स, दिस इज अगेन अनदर एक्सरसाइज विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर कोर, एंड दिस ऑल्सो यू कैन ग्रेजुअली एड ऑन टू द प्लैंक दैट वी हैड सीन यस्टरडे। दिस एक्सरसाइज विल ऑल्सो इम्प्रूव आर बैक स्ट्रेंथ इन पर्टिकुलर, अलॉन्ग विद आर थाइज एंड आर हैमस्ट्रिंग्स। चलते वक्त सबसे ज़्यादा जो मसल्स का इंपॉर्टेंस होता है दौड़ते वक्त, चलते वक्त, दैट आर योर लेग्स, एंड दैट ऑल्सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ थाइज एज वेल एज योर हैमस्ट्रिंग्स इज वेरी क्रूशियल। सो डू ट्राई टू एड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो टू योर डेली वर्कआउट शेड्यूल। दिस टेक्स माइट बी अगेन एग्जैक्टली एज प्लैंक, इट विल टेक माइट बी अराउंड 4-5 मिनट्स फॉर 2-3 सेट्स। सो आप लोग इसे भी हर रोज़ अपने शेड्यूल के अंदर आसानी से ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।